हाँ जी बाबा, कन्या माताओं को ज्ञान गौ कहा है तो बेहद में लात मारना क्या है? जो सीधी साधी गौएं भारतीय होती हैं, जिन्हें भारत माता शिव शक्ति अवतार कहा जाता है, वो लात मार के दूध देती हैं या सहज सहज दूध देती हैं? है? भारत की कन्या माताओं के लिए तो गायन है, कितनी सीधी सादी होती है कि माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं सारा जीवन वही बंद करके रहती है। ये भारतीय कन्या माताओं रूपी गऊओं की बात है, विदेशी गऊओं की बात नहीं है। उनका दूध भी बहुत पतला होता है, पानी ही पानी। भारतीय देसी गायों का दूध भी गाढ़ा होता है, जैसे कि घी ही घी छलकता हो। और चंडिका किसको कहा जाता है और भक्ति मार्ग में चंडिका देवी का भी मेला क्यों लगता है? चंडाल से कनेक्टेड है चंडिका। चंडाल का जन्म कौन पाते हैं? बोलो बोलो। जो दे करके अर्पण हो करके फिर सब कुछ वापस कर लेते हैं, चंडाल पुल्लिंग है और चंडिका स्त्रीलिंग है। परंतु चांडाल पुरुष है, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है और चंडिका है। चंडिका पुरुष है या स्त्री है? स्त्री है। उसको चंडिका बनाने वाले बनाते हैं या पहले से चंडिका होती है? है? बनाने वाले बनाते हैं। वो चंडिका होती नहीं है, फुसलाने वाले बरगलाने वाले बहुत हैं, जो बुद्धि को भरमाए देते हैं और वो बुद्धि में भरना भरमाने में आ जाती है, यही एक गलती हो जाती है। बाकी फुसलाने वाले फुसलाते हैं तो बाप फुसलाने में कोई कम है क्या? है? फुसलाने वालों का बाप नहीं आया हुआ है? आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? सबका बाप आया हुआ है, चोरों का, डकैतों का, लुच्चों लफंगों का, सबका बाप है। ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, जिसमें वो आता है, इसलिए वो हार मानने वाला नहीं है। जीत पाने वाला है या हार खाने वाला है? जीत पाने वाला है। इसलिए शास्त्रों में एक आत्मा नारायण ही ऐसी है जिसकी कभी भी हार नहीं दिखाई गई है। आखिरी निजी तुलसी की युद्ध हुई। हाँ जी बाबा, लोग में भी अशांति है और घर व्यक्ति दुनिया में भी अशांति है, शेष बच्चों की प्रतिष्ठा होगी तो कौन सी ज्यादा होगी? किसमें अशांति है? कहीं लोग में भी अशांति है और घर व्यक्ति दुनिया में भी अशांति है। कहीं लोग ज्ञानी शनि लोक है कोई सा बाबा? शनि लोक में जी, देवताओं में अच्छे देवताएं भी हैं, अच्छी कुरी के और नीची कुरी के भी देवताएं हैं या नहीं है? जैसे ब्राह्मण नौ कुरियों के हैं, वैसे देवताएं भी कितने कुरियों के हैं? नौ कुरियों के हैं।
तो उनमें जो नीचे से नीची कुरी का होगा वो कहने मात्र को देवता होगा, या चलन से, वाचा से, कर्मों से देवता दिखाई देगा या असुर दिखाई देगा? है असुर दिखाई देगा। जो आसुरी संस्कार वाले हैं वो ही उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि मुरली में बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, उसी की पूजा करेगा। और काली और महाकाली है अलग अलग आत्मा है कि एक ही आत्मा? जैसे गौरी महागौरी अलग अलग है ना, ऐसे ही काली और महाकाली। काली माने व्यभिचारिणी, एक के साथ व्यभिचार किया तो भी तो काली कही जाएगी, और अनेकों के साथ व्यभिचार किया तो महाकाली। और कलयुग अंत में आकर काली तो सब बनते हैं या नहीं बनते हैं? है? बनते हैं, सब बनते हैं। लक्ष्मी भी काली बनती है या नहीं बनती है? अरे अरे पार्वती भी काली बनती है या नहीं बनती है? शास्त्रों में पार्वती का भी काला मुंह दिखाया या नहीं दिखाया? अरे दिखाया ना, काली से ही तो काली कौशिकी पैदा होगी। कैसे काली हो गई? हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक में कन्याएं माताएं सरेंडर हुई उनमें सब काली कैसे बनी हुई है? बनी हुई है या नहीं बनी हुई है? अरे कैसे नहीं? क्योंकि सब दृष्टि का लेन देन कर रही है। बल आंखें श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, परंतु श्रेष्ठ इंद्रियों से भी अगर व्यभिचार हुआ तो नीचे गिरेंगे, आत्मा पतन के गर्त में जाएगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी, क्योंकि आंखें सबसे जास्ती धोखेबाज होती है। और जो भी डिपार्टमेंट से हैं उन सभी का तंत्र बाप के पास है, क्योंकि बाप सेक्रेटरी है। तो सभी डिपार्टमेंट का तंत्र क्या है और बाप सेक्रेटरी है, इसका क्या है? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के नीचे ढेर सारे डिपार्टमेंट है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो प्रधानमंत्री की पकड़ से परे हो? है? नहीं है। ऐसे ही यहां भी है, बाप है सारे वृक्ष का बीज, सारे वृक्ष में जो भी शाखाएं हैं उन शाखाओं के जो भी महान धर्म पिताए हैं उन बापों का भी बाप है, तो उसमें सबका सैक्रीन समाया हुआ है। बाबा एक सेकंड, जैसे मैं जान लिया एक सेकंड में आत्मा है, परमात्मा को भी जान लिया, तो एक सेकंड क्या है बाबा? एक कहा और सेकंड हो गया, एक सेकंड में बुद्धि में नहीं आता है, बिंदु याद आता है, बिंदु का बाप याद आता है
और किस तन में काम कर रहा है ये भी याद आता है। वो एक सेकंड में तीनों काम हो गए। और बच्चों को बहुत झूरम जैसी बनना है, है आगे तो इस नाटक को जानते ही नहीं थे, तो झूरम जैसी का क्या? दूरंदेशी का मतलब चारों युगों का ज्ञान नहीं, चारों युगों का सार बुद्धि में आ जाए। कोई भी पॉइंट बाबा बोले तो उसको सारे चक्र से कनेक्टेड कर देना है। ये नहीं अभी का अभी देख लिया, चारों युगों से इस पॉइंट का क्या कनेक्शन है। सर्वव्यापी का पॉइंट है, उस सर्वव्यापी का कनेक्शन चारों युगों से है या नहीं है? अज्ञान काल में है या ज्ञान काल में है? चारों युगों का कनेक्शन, है? अरे अज्ञान काल में चारों युगों से कनेक्शन नहीं है, परंतु इतना कनेक्शन जरूर है कि हम जानते हैं कि चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, जो चारों युगों में सदा कायम है उसके लिए ज्ञान मार्ग में बोला गया है आत्मा सो परमात्मा। तो कहने के लिए कहा गया आत्मा सो परमात्मा, यह ज्ञान काल में ही साबित होता है। लेकिन अज्ञान काल में ही साबित होता है या ज्ञान काल में भी साबित होता है? ज्ञान काल में आत्मा सो परमात्मा नहीं है, एक के लिए है। और जो आत्मा सारे सृष्टि चक्र में सिर्फ एक ही जन्म लेती है, वो कौन सा जोला? वो एक आत्मा थोड़ा ही है, ढेर की ढेर आत्माएं हैं। एक जन्म लेने वाली आत्मा कौन सा? ऐसी ढेर की ढेर आत्माएं हैं जो त्रेता के अंतिम जन्म में आने वाली आत्माओं में ही प्रवेश करती हैं। उससे पहले के जो 20 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनमें प्रवेश उनका नहीं होता है। नीच कोटि की आत्माएं हैं, जैसे दीपावली पर पतंगे रात को जन्म लेते हैं, सवेरे को खत्म हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही वैल्यूलेस आत्माएं हैं, उनकी गिनती भी बाबा ने बार बार नहीं की है। जिनकी गिनती बार बार की है वो मनुष्य आत्माएं 550 करोड़ है। उसके ऊपर जितनी भी आबादी है दुनिया की मनुष्यों की, वो सब मनुष्य नहीं है। मनुष्य में आंखें मनन चिंतन मंथन करने वाली नहीं है। जट बुद्धि है, जानवरों कीड़े मकोड़ों जैसी बुद्धि है। और
चलते 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 आदम बन पड़ता है, चलते चलते अभी बोला चलते चलते आदम बन पड़ता है। हाँ आदमी कहा जाता है ना, आदमी में एक मात्रा ई की बढ़ गई, तो वो फॉलोअर के अर्थ में या पुत्र के अर्थ में हुआ, तो जरूर आदम जो है वो उसका पिता हो गया आदमी का। जो आदम था संगम में वो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 84 जन्मों में क्या बन गया, जन्म लेते लेते है चलते चलते क्या बन गया। अरे आदम ही बना रहा या आदमी बन गया, आदमी बन गया। हा? द्वारा इनकी प्रत्यक्षता होगी, उनकी संपूर्णता होगी या नहीं होगी है? जिन बच्चों की प्रत्यक्षता होगी उनकी संपूर्णता भी होगी या नहीं होगी? और जब संपूर्णता होगी माने 63 जन्मों के जो पाप शाप हैं उनके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, पाप कर्म भस्म कर लिए, और जिनके पाप कर्म भस्म हो गए वो पापात्माओं के साथ रहने चाहिए या पुण्यात्माओं के साथ रहेंगे है? तो पुण्यात्माएं कहाँ रहेंगी, सुखधाम में रहेंगी या दुखधाम में रहेंगी है? सुखधाम में होंगी। और जब बहुत फेल होते हैं तो टीचर को बदली कर देते हैं। जिनके राज्य में बहुत फेल होते हैं, जिनके क्लास में फेल होने वालों की संख्या ज्यादा है, अगर 100% पास होते हैं तो टीचर अच्छा है या खराब है? अच्छा ही कहेंगे। सभी बच्चों में उम्मीद रखता है, उम्मीद रखता है तो देर पास हो जाते हैं। टीचर की दुआ लगती है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम रहती है। बाप भी बच्चों में उम्मीद रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो बाप समान जो बच्चे होंगे वो भी क्या रखने वाले होंगे, अपने संसर्ग में संपर्क में संबंध में आने वाली जो भी आत्माएं हैं उनमें उम्मीद ही रखेंगे कि आज नहीं तो कल है, आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे।
दुनिया में संस्कृत भाषा को विद्वानों की भाषा माना है, संस्कृत भाषा और सभी भाषाओं की जननी माना है। जननी पहले होती है या जिसको जन्म दिया जाता है वो पहले होता है? हैं? जननी पहले होती है। जननी पहले होती है तो संस्कृत तो बाद में बनी है, संस्कृत की पुस्तकें भी बाद में बनी है, संस्कृत भाषा से भी पुरानी भाषा है पाली और प्राकृत और वैदिक भाषा, जिस भाषा में वेद लिखे गए, वेदों में संस्कृत नहीं है। कौन सी भाषा है? वैदिक भाषा है। ये संस्कृत तो विद्वानों की भाषा है, व्याकरण के अनुसार भाषा की रचना की गई है। जितना सशक्त व्याकरण संस्कृत का है उतनी संस्कृत ग्रामर या व्याकरण कोई भी भाषा में नहीं है। एक एक शब्द का एक एक अक्षर का अर्थ निकाला है, अक्षरों से मिला के शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलाकर वाक्य बनते हैं। तो ये अज्ञानता है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। नहीं, हाँ, विचार सागर मंथन करके भाषा तैयार की गई है या बिना विचारे भाषा तैयार की गई है? है? जो संस्कृत भाषा तैयार की गई है वो विचार सागर मंथन करके तैयार हुई है या बिना विचारे ही तैयार कर दी है? विचार सागर मंथन की गहराई हुई है तो कहेंगे इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम। कब? आदि संगम। आदि कब? संगम तो 100 साल का है, हैं? हैं? कब आया? हाँ, 76 से जब से विचार सागर मंथन की शुरुआत हुई या प्रत्यक्षता हुई तब से कहेंगे कि जननी भी है तो जनक भी है, जगत पिता भी प्रत्यक्ष हुआ तो जगत माता भी प्रत्यक्ष हो गई। भक्ति मार्ग में तो बिना समझे ऐसे ही कह देते हैं, संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है, साबित तो नहीं कर सकते। और चंद्रमा का और पृथ्वी का बलन कब हुआ? जब संपूर्णता होगी। अपूर्णता होती है तो विषोह हो जाता है, संपूर्णता होती है तो मिलन हो जाता है। अभी अपूर्णता कहें या संपूर्णता कहें? है अपूर्णता।
मिलन नहीं है, विछो है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा जगदम्बा महाकाली के रूप में प्रवेश नहीं करती, तो मिलन हुआ या बिछो हुआ है? हाँ जी, वो पूर्ण रूप कैसा होता है? हाँ? शरीर कभी मिलन होता है, कभी कभी बिछुड़ जाता है, माने सदैव मिलन बना रहे, तो सदाकाल मिलन तो सतयुग में होगा। जो सतयुग होगा वो सतयुग में सदाकाल के लिए चंद्रमा पृथ्वी में एक आकार हो जाएगा, माना सतयुग अभी नहीं होगा। है सन 2036 से पहले सतयुग नहीं होगा, सतयुग नहीं होगा तो संपूर्णता भी नहीं होगी, संपूर्णता नहीं होगी तो प्रत्यक्षता भी नहीं होगी। तो 2036 से पहले चंद्रमा और पृथ्वी का मिलन होगा या नहीं होगा? है? अरे 2000 में स्थूल रूप में होगा, जो स्थूल चंद्रमा और स्थूल पृथ्वी है, और अभी अभी उसका जो मानवीयकरण है आत्माओं के रूप में, कोई आत्मा है जो पृथ्वी का पार्ट बजाने वाली है? पहले आत्माओं में परिवर्तन होगा या जड़ पर तत्वों में परिवर्तन होगा? तो जो आत्मिक रूप में चंद्रमा और पृथ्वी है, उनके संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, संस्कार एक होंगे तो विष्णु कहा जाएगा, संस्कार मिलकर के एक नहीं होंगे तो विष्णु का राज्य नहीं शुरू होगा। और हमें जैसे अज्ञान का अहंकार होता है, जैसे ज्ञान का भी अहंकार होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसके? अहंग माना ही अज्ञान। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान का अहंकार करता है वो भूल जाता है ये ज्ञान हमारा है या हमें किसी से मिला है, किसी की अनुकंपा है हमारे ऊपर या स्वतः ही मिल गया, किसी ने दिया है तब है हमारा, हमने उसे अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है, बाकी है तो नहीं हमारा, तो वो तो स्वयं ही अज्ञान है। अज्ञान की शुरुआत होती है मेरा, बाप क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। और तो ज्ञानी करेगा ना? है? ज्ञानी से नुकसान नहीं, जितना ज्ञानी नुकसान, ज्ञानी नुकसान नहीं करता है अहंकार है? हाँ, तो अहंकार है तो ज्ञानी कहाँ है? सबसे बड़ा अज्ञानी तो वो ही हो गया जो भूल गया कि मेरे को देने वाला दाता कौन है, खुद को ज्ञानी समझ लिया, यही तो गड़बड़ है। क्या राम और कृष्ण में राम ने अपने को कभी भी भगवान नहीं कहा शास्त्रों में, और कृष्ण ने?
कृष्ण अपने को भगवान स्वीकार कर लेता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र अपन को भगवान समझ लेते हैं। यहां संगम युग में भी वो परीक्षा होगी। अगर भगवान को पहचानते पहचानते अनिश्चय बुद्धि हो गए तो या तो किसी दूसरे को भगवान मान लिया या तो खुद भगवान बन के बैठ गए। और ऊर्जा तो हर युग में होती है। हैं? ऊर्जा 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 का मतलब ही होता है शक्ति। और शक्ति आत्मा में होती है या जड़ में होती है? है? आत्मा में। तो सतयुग और त्रेता में कौन सी ऊर्जा है जो बिजली के कारखाने नहीं बनाने पड़ते है? बस सबसे बड़ी शक्ति आत्मा स्वयं ही ऊर्जा है। अगर एकाग्रता की शक्ति प्राप्त की है तो जो प्रेमी होते हैं, किसी ने प्रश्न किया, जो प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे को लाल गुलाब ही क्यों देते हैं? जैसा प्रश्न वैसा पूछने वाला। और गुलाब हमेशा लाल ही जैसा होता है क्योंकि देसी गुलाब होगा तो भी गुलाबी रंग लाल से मिलता जुलता होता है या नहीं होता है? और एक विदेशी गुलाब होता है वो एकदम लाल होता है। द्वापर युग का रंग कौन सा दिखाया गया है? तांबा है? तांबी। उसमें भी लालिमा होती है या नहीं होती है? होती। उसमें भी लालिमा होती है लेकिन जितने भी गुलाब होते हैं चाहे देसी हो या विदेशी हो वो गुलाब का फूल फूलों में श्रेष्ठ माना जाता है या निष्कृष्ट माना जाता है? है? श्रेष्ठ माना जाता है। तो श्रेष्ठ प्यार अच्छा है या निष्कृष्ट प्यार अच्छा है? श्रेष्ठ प्यार क्या होता है? है? प्यार में श्रेष्ठता क्या होती है? एक की याद करना। जिससे एक बार प्यार कर लिया उसको कभी तब्दील नहीं करना।
इसका मतलब जैसे भारत में कन्याओं माताओं में ये प्रवृत्ति है क्या कि एक बार जहां दिल दे दिया तो दे दिया, संकल्प में भी अगर दे दिया तो कहेंगे संकल्प से ही दे दिया, दान कर दिया, दिया हुआ फिर वापस वापस नहीं लेना। और 500 करोड़ में से ऐसी कौन सी आत्मा है जो एक बार दे देती है तो कभी वापस नहीं लेती 84 जन्मों में भी? लक्ष्मी कौन सा फूल है? गुलाब का फूल है, इसलिए कौन सा फूल देते हैं? है गुलाब का फूल देते हैं। और तो असली की नकल करते हैं? है असली फूल की नकल करते हैं अनजाने। भक्ति मार्ग में जो भी बातें होती है वो अनजाने में होती है या जान करके होती है? अनजाने में होती है। बाबा जो पति पत्नी जो पत्नी पति के साथ जीवन भर आज्ञाकारी होकर रहे फिर भी वो पति पत्नी को सदा बेइज्जत करता रहे तो पत्नी क्या करे? क्या करे? है अरे कुछ निराकरण है कि नहीं है? है क्या करे? बाप का घर है ना? बाप का घर है? बाप के घर में चली जाए, बाप के घर में चली जाए, बाप रख लेंगे। बाप प्रवृत्ति मार्ग मनाने आया है या सन्यासियों में सल तोड़ने आया है? है तो अगर बाप के घर में आकर के सब बैठ जाएं और बाप उनको इजाजत दे दे अच्छा रहो तो ये परिवार तोड़ने वाली बात हुई या जोड़ने वाली बात हुई? तो तोड़ने वाली बात हो गई। ये तो सन्यासी लोग ये काम करते होंगे। जो पति पत्नी पति पत्नी का धर्म नहीं निभा पाते कारण या कारण मतभेद हो जाता है और एक दूसरे को त्रास देते हैं वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। 84 जन्मों का चक्र उनकी बुद्धि में नहीं है। अगर मान लो पत्नी की बुद्धि में 84 का चक्र है तो बुद्धि में बात आनी चाहिए कि नहीं कि दुख हमको कोई देता है या दुख हम खुद कमाते हैं? है खुद कमाया हुआ है। पत्नी ने जरूर पूर्व जन्म में पति को अति का त्रास दिया है तभी पति दुख दे रहा है। और पूर्व जन्म की बात को पत्नी भूली हुई है इसलिए अज्ञानी है। और दोनों हाथों से ताली बजती है या एक हाथ से बजती है? यहां ज्ञान में तो कुछ भी नहीं है कठिन,
क्लास में भी न जाने दे। बाबा तो कहते सप्ताह कोर्स किया भट्टी की, फिर बिलाई चला जावे, कभी ना आवे। तो वो आत्मा भी ऊंचे पद पाई सकती है। तन को कोई रोकेगा, धन को रोकेगा, कर्मेंद्रियों को रोकेगा, दृष्टि को कोई पकड़ेगा, तुम्हारी दृष्टि इधर उधर चंचल होती है, मन को कोई रोकेगा, तो जैसे चलाए वैसे चलते रहो। कहीं नथनिया पहनो, नथनिया पहन लो, टिकली लगाओ, टिकली लगा लो, अंदर से बाबा की याद करते रहो। ताली दोनों हाथों से बजेगी, एक हाथ से बजेगी, दोनों हाथों से बजेगी। किसी ने पूछा है महाभारत में कुंती पुत्र गंगा पुत्र कहते हैं, पिता का नाम क्यों नहीं लेते हो? है क्योंकि ना पिता मौजूद था पांडवों का और न शांतनु मौजूद थे। इसलिए नाम माता का लिया जाता है। चाणक्य सीरियल में विष्णुगुप्त ने स्वर्णोत्तरा को चंद्रगुप्त का अंगरक्षक बनाया। तो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में स्वर्णोत्तरा का पार्ट किसका है? बाबा पार्ट बजाने बैठे हैं, बताने बैठे हैं क्या? है नहीं। बाबा एक एक का पार्ट बतावेंगे कागज पे लिखकर या बोर्ड पे लिखकर? तो मंथन की बात है, मंथन करो और वेरीफाई करो। मुरली में बोला है कि सत्युग में 150 वर्ष की आयु रहेगी, उस आयु भर निरोगी काया रहेगी। क्या वहां कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? है बुढ़ापा तो तब आता है जब कोई का बचपना आता है। वहां 2 साल तक बच्चे बन करके पालना में पड़े रहेंगे? नहीं पड़े रहेंगे, तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा। न वहां बचपना होता है न बुढ़ापा होता है।
गाय के बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। देवताएं पालने में नहीं खेलेंगे, उनका टट्टी पेशाब साफ नहीं करना पड़ेगा। बुढ़ापा उनका आता है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रहते। यहां भी हम बच्चे आत्मिक स्थिति में सदाकाल स्थित रहना की प्रैक्टिस जिस दिन कर लेंगे, उस सारा दिन चेहरा चमकता हुआ नौजवान दिखाई देगा या बूढ़ा मुरझाया हुआ दिखाई देगा? है, चमकता हुआ चेहरा दिखाई देगा। और वहां तो 24 घंटे आत्मिक स्थिति रहेगी, यहां तो हम फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो निमित्त मात्र लोग न्यायाधीश बनकर बैठे हैं और न्याय नहीं करते हैं, तो उन निमित्तों की मत पर चलना ठीक है या मुरली की मत पर चलना ठीक है? मुरली जड़ है या मुरली चैतन्य है? है? तो चैतन्य है, चैतन्य है। मुरलीधर चैतन्य है या मुरली चैतन्य है? मुरलीधर चैतन्य है, जिसने मुरली को धारण कर लिया प्रैक्टिकल जीवन में, वो चैतन्य है। और मुरली तो जड़ है, जैसे सीता ने धनुष को बाएं हाथ में उठा के रख लिया तो धनुष कहो, चाप कहो, जहाज कहो, वो जड़ है या चैतन्य है? है? क्या है? अरे चैतन्य। लो, शास्त्र में तो बोला है शंकर चाप जहाज, जे ही चढ़े उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। तो जहाज कहो, धनुष कहो, नवैया कहो, वो जड़ है या चैतन्य है? है चेतन, चैतन्य है, साकार है ना बाबा। चैतन्य ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ ज्यादा पावरफुल होता है? तो अगर शंकर का चाप चैतन्य है तो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या अव्वल नंबर सीता या पार्वती ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए? दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं या इम्प्योरिटी से होते हैं? तो प्योरिटी को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है, यह जहाज है? इसलिए
असली अब शब्दों में कहा जाए तो मुरली को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली आत्मा कौन है? रामली आत्मा। फिर काय के लिए आवाहन करने की जरूरत है विजय माला को? शंकर चाप जहाज बोला है ना। हाँ, तो जहाज नवैया या जहाज लकड़ बुद्धि का होता है या चैतन्य होता है? तो चैतन्य की बात चल रही है। हाँ, तो जहाज कैसा होता है? धनुष जो है वो जहाज जड़ होता है या चैतन्य होता है? वो जड़ होता है बाबा, लेकिन या तो चैतन्य की बात चल रही है। अरे जहाज पर चढ़ा जाएगा तो जड़ चीज हुई या चैतन्य हुई? जड़ है। और उस जहाज को धारण किसने किया? राधा ने, पार्वती ने, सीता ने उसको धारण कर लिया। नाम ये राधा, धा माने धारण किया। किसको धारण किया? रा माने राम को। तो सारी बात धारण करने की है। मुरली तो जड़ है लेकिन वो भी जड़ है। जो मुरली मुख से बोलता है लेकिन पत्थर का लिंग दिखाया जाता है या चैतन्य दिखाया जाता है? पत्थर का लिंग है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर माने भगवान के ऊपर या देवियों के ऊपर कौन सा फल तोड़ा जाता है? दाल। नाम क्या दिया? नारियल। रियल या नारियल? रियल नहीं, नारियल है। उसका नाम देते हैं खोपड़ा। सभी भाषाओं में है या कोई भाषा ऐसी भी है जिसमें खोपड़ा ना बोला जाता हो? शरीर में कौन सा अंग है जिसे खोपड़ा कहा जाता है? हैं? ये क्या है? ये खोपड़ा है। जैसे उस नारियल में तीन आंखें होती हैं, ऐसे ही वो कौन चैतन्य पाठधारी है जिसकी तीन आंखें विख्यात हैं? शंकर। जो मंदिरों में किस रूप में पूजा जाता है? हैं? लिंग के रूप में पूजा जाता है। वो लिंग जड़ दिखाते हैं या बोलता चालता दिखाते हैं? जड़ है। तो वो मुरलीधर नहीं है। इसलिए शास्त्रों में ये बात आई है। शिव पार्वती के लिए कहते हैं कि तू मेरे में समाई हुई है और मैं तेरे में समाया हुआ हूं। शिव शक्ति से अलग नहीं है, शक्ति शिव से अलग नहीं है। शक्ति के बगैर शिव क्या हो जाता है? शब हो जाता है। शब माने जड़। और शिव के बगैर शक्ति क्या हो जाती है? शिव ना हो तो शक्ति शक्तिवान है? नहीं है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। अभी का नहीं, अभी शिव और शक्ति एक हैं संस्कारों से मिलकर या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। इसलिए मुरली जड़ है और मुरली को धारण करने वाला चैतन्य है। तो ये जो पूछा है कि जो निमित्त मात्र न्यायाधीश हैं उनकी मत पर चलना चाहिए
निमित्त मात्र जैसे चलाएं वैसे चलना चाहिए या मुरली के मत पर चलना चाहिए? तो दोनों ही बातें गलत हैं या दोनों बातें सच्ची हैं या एक बात सच्ची है दूसरी बात झूठी? दोनों सच्ची हैं। दोनों की मत पर चलना चाहिए है? मुरली पर चलना चाहिए। मुरली तो जड़ है। मुरलीधर ने तो मुरली चलाई बाबा। मुरली क्या है, यहाँ बात मुरली की आ रही है। निमित्त मात्र जो है उनकी मत पर चलना चाहिए या मुरली की मत पर चलना चाहिए? दो बातें हैं। दोनों की मत पर चलना चाहिए। दोनों की मत पर चलना चाहिए। निमित्त मात्र ये कहे ऐसा काम करो और मुरली कहती है ऐसा काम करो, क्योंकि मुरली हम समझ ही नहीं पा रहे। मुरली में जो भी वाक्य आए हैं जड़ मुरली में, वो सब समझ में आते हैं। बाबा समझ में ना आए तो बाबा से वेरीफाई करानी चाहिए ना। तो बाबा चैतन्य है या मुरली है? चैतन्य बाबा है। है बाबा चैतन्य है। बाबा चैतन्य, जो बाबा चैतन्य है वो खुद स्वर्ग बना सकता है या नहीं बना सकता है? या किसी दूसरे की अपेक्षा है? बना सकता है। बना क्यों नहीं लिया? न ब्रह्मा ने बना पाया 33 साल रहे जिंदगी में, और न ब्रह्मा के बाप ने बना पाया। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 70 साल से ऊपर नहीं, 35। 76 और 10 कितने हुए? 76 के बाद 10 और जोड़े तो 35 साल वो हो गए। अरे 35 साल हुए ना। और कुछ अज्ञान काल में भी रहे होंगे बेसिक में। सात साल वो भी जोड़ दो, कितने साल हो गए? 39-40 साल हो गए। ब्रह्मा ने 33 साल में कुछ नहीं कर पाया और उन्होंने 40 साल में कुछ नहीं कर पाया, फिर भी बात आ गई विजयमाला का आवाहन करो तो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कहेंगे या मुर्दा कहेंगे? क्या कहेंगे? मुर्दा है। मुरलीधर कब कहा जाएगा? है धारणा जब करे। हाँ, जब धारणा करे। मुरली कोई दूसरी चीज नहीं है, गीता ज्ञानामृत ही मुरली है। जब कागज की मुरली निकलती थी तब सिर्फ मुरली थी, मंथन करने के बाद अमृत है। अमृत का घड़ा रखा रहे उससे फायदा होगा या पी लिया जाए तो फायदा होगा? पी लिया जाए तो मुरली कागज की मुरली पर चलने से भी फायदा नहीं। और जो निमित्त मात्र अल्पकाल के लिए बनाए गए हैं वो भी अधूरे हैं या संपूर्ण हैं? अधूरे हैं। इसलिए अभी किसको फॉलो करना है? अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अभी किसी को फॉलो करना है कि नहीं करना है? सांप सूंघ गया। साकार बाबा को फॉलो करना है। साकार बाबा को फॉलो करना है। हाँ, शिव बाबा को फॉलो करना है, शंकर ताऊ को नहीं। तो तुम क्या देखो? शिव बाबा को देखो
या साकार शरीरधारी की आत्मा को देखो, शिव बाबा को देखो। अगर ये समझेंगे कि ये ब्रह्मा की मत है तो फेल हो जाएंगे, अगर ये समझेंगे ये शिव बाबा की मत है तो पास हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं। ओम शांति।